हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, लिब्रा कैल्क सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो लिब्रा कैल्क के, यहां पर ये देख सकते हैं ये एक नाम लिखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट ये किधर की तरफ अलाइन है ये देख सकते हैं। ये हमेशा जब भी आप टेक्स्ट लिखेंगे ना तो टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट की तरफ अलाइन होगा। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कोई और नाम लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए लिख दिया मैंने जावेद, तो ये लिख दिया, तो मान लीजिए ये जो है ना ये हमेशा लेफ्ट की तरफ रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ लिखता हूँ सोनू, तो देखिए ये जो सोनू लिखा हमने ये कुछ इस तरीके से, तो ये देखिए ये हमेशा लेफ्ट की तरफ अलाइन हो रहा है, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और जब भी आप नंबर लेते हैं तो नंबर हमेशा राइट की तरफ अलाइन होता है, ठीक है। ये एक्सेल की ही नहीं लिब्रा कैल्क में भी सेम कंडीशन है। तो अभी हमको अलाइनमेंट की बात समझनी है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया इतना, इसके बाद देखिए यहां पर अलाइनमेंट का सेक्शन हमको मिल जाता है। ये अलाइनमेंट है, ठीक है, देख रहे हैं। तो ये अगर लेफ्ट में अलाइन करना चाहते हैं तो लेफ्ट में तो ऑलरेडी है, कंट्रोल एल शॉर्टकट की होती है। और फिर ये देखिए ये जो है सेंटर है, सेंटर कंट्रोल ई शॉर्टकट की होती है, यहां पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए एकदम सेंटर में आ गया। इसको मैं एक अलग कलर में हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा रहेगी, पता चलता रहेगा कि हम किस में अलाइन कर रहे हैं। तो पहले ये लेफ्ट में किया था, फिर बीच में सेंटर कर दिया हमने, यानी बीच में हो गया। और फिर यहां पर देखेंगे तो ये है राइट, तो राइट में करेंगे तो क्या होगा, राइट में करेंगे तो राइट में ही चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये रैप टेक्स्ट है। तो रैप टेक्स्ट के बारे में बाद में बात करते हैं, इसके बारे में वीडियोस मैंने बनाए हैं। और ये देखिए यहाँ पर आते हैं तो देखिए ये अभी नीचे की तरफ है, अब ना ऊपर रहेगा ना नीचे रहेगा, एकदम बीच में आ जाएगा। तो ये देख रहे हैं ये सेंटर वर्टिकली, तो यहाँ पे करेंगे ना तो ना ऊपर रहेगा ना नीचे, मतलब ऊपर की तरफ भी बराबर स्पेस और नीचे की तरफ भी बराबर स्पेस, दोनों की तरफ स्पेस को मैनेज करते हुए चलेगा ये, ठीक है। और फिर यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो ये टॉप है तो ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा थोड़ा सा, देखिए ये ऊपर की तरफ आ गया है थोड़ा सा, देख रहे हैं। तो ये हो गया। और यहां पर आते हैं बॉटम में तो थोड़ा नीचे की तरफ डाउन हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट का पूरा सेक्शन है, आई होप कि ये समझ में आया होगा कि कैसे कैसे ये अलाइन होता है, ठीक है। तो नंबर हमेशा किधर की तरफ अलाइन होता है, राइट की तरफ, और टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट की तरफ, ओके।